हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर ललित कुमार गंगेले है। ये मेरा दूसरा ब्लॉग है मेरे यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर ललित कुमार गंगेले में। अब जैसा कि आप लोग थंबनेल देख पा रहे हैं, इस वीडियो का जो शीर्षक है वो है केस टेकिंग, हाउ टू प्रोसीड एंड फिनिश द केस टेकिंग। तो केस टेकिंग एक केस के अंदर होम्योपैथिक थेरेप्यूटिक्स में केस टेकिंग कैसी होनी चाहिए, ये उसके ऊपर वीडियो है। और हो सकता है कि ये वीडियो में शायद एक ये पूरा का पूरा टॉपिक सॉरी वीडियो नहीं ये टॉपिक में एक वीडियो में ना कवर कर पाऊँ, तो हो सकता है इसका मैं दूसरा पार्ट या तीसरा पार्ट भी बनाऊँ, क्योंकि केस टेकिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल थिंग इन द होल ट्रीटमेंट थेरेपी। ये ट्रीटमेंट करने की जो प्रक्रिया है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो जो होता है वो केस टेकिंग होता है, कि हम केस टेकिंग को किस तरह से कर रहे हैं। अब केस टेकिंग शुरू कहाँ से हो, केस टेकिंग होनी कैसी चाहिए, क्या केस टेकिंग बहुत लंबी होनी चाहिए या केस टेकिंग छोटी होनी चाहिए, हमें केस टेकिंग के अंदर क्या क्या करना है, हमें केस टेकिंग के अंदर क्या क्या करना नहीं है, हमें पेशेंट से किस तरह के सवाल पूछने चाहिए, ये बहुत सारी बातें आप लोगों के और खासकर नए जो स्टूडेंट्स हैं, जो नए बच्चे हैं, जो कुछ समय में होम्योपैथिक फील्ड में एंटर होने वाले हैं या अभी अभी जिन लोगों ने अपना काम क्लिनिक का स्टार्ट करा है, उनके दिमाग में आती होगी। तो और वो लोग कई बातें सुन के कन्फ्यूज भी होते होंगे कि उनने कहीं किसी यूट्यूब वीडियो में देखा कि कोई डॉक्टर साहब जो है वो उतनी बड़ी केस टेकिंग करते हैं, कई लोगों की केस टेकिंग के पूरे पूरे फॉर्मेट होते हैं, पांच पांच दस दस पेज के, और वो फॉर्मेट को देके उन फॉर्मेट्स को देके वो पेशेंट से पूरे के पूरे फॉर्मेट को फिल कराते हैं। तो इसमें जो छोटे बच्चे हैं, जो 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 नए प्रैक्टिशनर्स हैं, वो थोड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यार उनको क्या करना चाहिए, उनको किस तरह से प्रोसीड करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली वही चीज बताने वाला हूं। देखिए, पहली चीज कि केस टेकिंग शुड बी शॉर्ट एंड स्वीट, ये मेरा एक्सपीरियंस है। ये देखिए, मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो बता रहा हूं, जो मैं करता आ रहा हूं 15 सालों से, मैं सिर्फ आपको वही बताने की कोशिश करूंगा। इसमें कोई और क्या करता है या कोई और डॉक्टर साहब या किसी और थेरेपी मतलब किसी और कोई और मतलब मेंटल सिम्टम वाले कितनी देर की केस टेकिंग करते हैं, या फिर कोई बहुत ज़्यादा डीप एक्टिंग रेमेडी देने के लिए किसी की केस टेकिंग कितने घंटे की चलते हैं, या कलकत्ता के अंदर कोई डॉक्टर साहब 4 घंटे की केस टेकिंग करते हैं, मुझे उससे सरोकार नहीं, क्योंकि मैं 15 साल से काम करता आ रहा हूँ एंड आई एम गेटिंग द वेरी गुड एंड फेयर रिजल्ट्स ऑफ अ शॉर्ट केस टेकिंग। देखिए, एक शब्द होता है, टेक्निकल लाइन का शब्द है, जिसको बोलते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। हमारे पास हम जितना चीजों का एनालिसिस करते हैं उतना ही चांस पैरालिसिस का होता है। पैरालिसिस मतलब कि वी वोंट बी एबल टू लीड एनी कंक्लूजन, हम कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते। मान लीजिए आप कोई भी जिंदगी की कोई भी चीज है, आप उसके अंदर जब जरूरत से ज्यादा एनालिसिस करते हैं ना, तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी एक कहावत होती है कि जो ज्यादा सोचते हैं वो कभी कुछ कर नहीं पाते। यही चीज एग्जैक्टली एप्लीकेबल है होम्योपैथी में। अब केस टेकिंग कब स्टार्ट होती है, आप पहले मेरे पॉइंट समझ लीजिए। जब पेशेंट वेटिंग रूम से मेरे केबिन में एंटर हो ही रहा है, मेरी केस टेकिंग तभी स्टार्ट हो जानी चाहिए। जब वो वेटिंग रूम में बैठा है और वेटिंग रूम से मेरे केबिन रूम में वो जब एंटर हो रहा है, तो वहीं से मेरे को मेरी केस टेकिंग स्टार्ट कर देना है। क्या देख सकता हूँ, क्योंकि वो बैठा तो है नहीं मेरे सामने, मतलब वो अभी आएगा, वो आएगा मुझे नमस्ते दूंगा सलाम करेगा, उसके बाद वो कुर्सी पे बैठेगा और तब जाके मैं कहीं उससे बातें स्टार्ट करूंगा। पर अकॉर्डिंग टू द पायनियर्स, आपकी केस टेकिंग तब स्टार्ट हो जानी चाहिए व्हेन एवर यू सी द फर्स्ट लुक ऑफ पेशेंट, फर्स्ट ग्लांस ऑफ पेशेंट। मैंने उसको देखा और मेरा तुरंत से मेरा जो जितना भी मेरा सेंसर्स हैं, सारे सेंसर तुरंत चालू हो जाने चाहिए। भाई ये कैसा दिख रहा है, आप क्या देख सकते हो उसके बारे में, प्राइमा फेसिया में क्या प्राइमा फेसिया पड़ेगा, इसकी हाइट क्या है, इसकी बॉडी का बिल्ट कैसा है, ये रिजिड मस्कुलर फाइबर का बंदा है या ये लेग्स फाइबर का बंदा है, ये लीन एंड थिन है या फिर ये कॉर्पुलेंस कंस्टिट्यूशन का, कॉर्पुलेंस मतलब मोटा, लीन एंड थिन मतलब दुबला, लेग्स फाइबर मतलब थुलथुला, लीन फाइबर मतलब सुडोल बॉडी वाला, जिसके मसल फाइबर्स काफी बेटर हैं, काफी डेंस हैं। ये सब चीज तो हम देख ही सकते हैं। इसका कलर क्या है, इस पेशेंट का कॉम्प्लेक्शन कैसा है, इसके हेयर्स का कलर क्या है,
उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उसका चलने का लहजा कैसा है, वो सबसे पहले मुझे देख के क्या कर रहा है। हालांकि हाँ, हो सकता है इसमें से बहुत सारी बातें इंपॉर्टेंस ना रखती हों, पर हो सकता है हम जब ये चीजें कंसीडर करें तो वो चीज काम आ जाए। अब लोग बोलते हैं कि साहब ये हमने इतना इतना डाटा लिया, ऐसा आता है मेरे सामने, ऐसा मैं सुनता रहता हूँ कई कई जगह, क्योंकि मैं इस फील्ड में 15 साल से हूँ, कि वो सब फॉर्म भरवाते हैं और इतना डाटा कलेक्ट करते हैं, तो वो डाटे का यूटिलिटी क्या है। बस मैं लोगों से एक सवाल करता हूँ कि आप इतना डाटा लेके आप डाटा को क्या आप बराबर से एनालाइज कर पा रहे हो, क्या आपने पूरे के पूरे डाटा को एनालाइज करा है, क्या वो डाटा का हर एक 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 जो जितना भी डाटा के अंदर जितने भी पॉइंट्स थे, क्या उन सारे पॉइंट्स ने आपकी मेडिसिन को निकालने में कंट्रीब्यूट करा है। नहीं होता ऐसा कभी। आप एक सॉफ्टवेयर के अंदर भी जब डाटा डालते हैं और रिजल्ट्स उसके वो उसके रिजल्ट निकालने के बाद जब एंड में आप रिजल्ट्स का एनालिसिस करते हैं, तो आपको पता, आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि हम 100 रूब्रिक जब डालते हैं तो वो जाके 50 या 65 रूब्रिक में से एक मेडिसिन निकाल के देता है। मतलब वो स्ट्रेट फॉरवर्डली लगभग 30%, एक रफ बोले तो 30% जो सिम्टम्स हैं, रूब्रिक है, उनको वो डिस्कार्ड कर देता है, अनदेखा कर देता है। क्यों अनदेखा कर देता है? क्योंकि वो जो रूब्रिक थे उसके मेडिसिन ऑफ सिलेक्शन में बाकी 65 मेडिसिन में से एकदम अलग जा रहे थे। तो उसने क्या करा कि जो जितनी मेडिसिन, जो वो मेडिसिन जो सबसे ज्यादा सिम्टम्स को कवर कर रही थी, अच्छा उसको इस चीज से मतलब नहीं कि जो मैं 30 रूब्रिक को हटा रहा हूं इसके अंदर मेडिसिन सिलेक्शन के दौरान, हो सकता है उन 30 सिम्टम में पेशेंट की सबसे ज्यादा प्राइमरी कंप्लेंट्स हो। मतलब प्राइमरी कंप्लेंट्स हो सकता है वो उसके सारे दुख दर्द उन 30 कंप्लेंट्स में से ही हो, पर क्योंकि आपने एक्सेस डाटा लिया, आपने जबरदस्ती का डाटा लिया, आपने प्रोपोगेंडा किया, तो उसने आपके 65 नॉन एसेंशियल सिम्टम्स को कंसीडर करके आपको एक मेडिसिन पकड़ा दी और आपने वो मेडिसिन उठा के पेशेंट को पकड़ा दी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखिए, मैं सॉफ्टवेयर यूज करने में के वालों का या सॉफ्टवेयर का मैं खिलाफ में नहीं हूं। मेरा ये कहना है कि आप जब भी एनालाइज करें केस को, तो जो सॉफ्टवेयर मेडिसिन बता रहा है उसके अंदर सिम्टम्स भी आपको अकलमंदी से डालने हैं। लोग ज्यादा टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स बनाने के लिए लोग इतने ज्यादा सिम्टम्स ले लेते हैं, इतने जबरदस्ती के सिम्टम्स ले लेते हैं और उनको फीड कर देते हैं सिस्टम पे जाके। उनका यह मानना है लक्षणों की समिष्टि करनी है ना उनको, तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम बनाना है। ज्यादा से ज्यादा सिम्टम लो, ज्यादा से ज्यादा सिम्टम सॉफ्टवेयर में डालो, उसको सॉफ्टवेयर उसके ऊपर रन करो, तो जो मेडिसिन बताएगा वो बड़ी प्रॉपर होगी। उसके अंदर एक जो रिस्क रहता है कि वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेजेंटिंग कंप्लेंट सिम्टम्स को वो अलग कर सकता है। हो सकता है वो आपके सिम्टम को अलग कर दे जिसके लिए पेशेंट आया था, और वो कोई भलते ही सिम्टम्स की एक उसने टोटलिटी बनाई जो कि पेशेंट की टोटलिटी पे बिल्कुल भी सुपर इम्पोज नहीं होगी। तो ये पॉइंट क्यों मैं क्लियर कर रहा हूं कि द केस टेकिंग शुड बी शॉर्ट एंड स्वीट। पेशेंट जब अंदर आया, आप सारे डाटा देखिए उसका, उसकी हाइट कैसी है, उसकी हेल्थ हेल्थ कैसी है, उसका कॉम्प्लेक्शन क्या है, उसके बाल कैसे हैं, उसके बालों का कलर क्या है ना, वो मोटा है कि पतला है, वो दुबला है कि लेग फाइबर वाला है कि फर्म फाइबर वाला पेशेंट है, वो कैसा है, वो कैसा बंदा है। वो जब आपके पास आकर बैठा, तो अब आपको फर्स्ट टाइम, अब आप मुंह खोलोगे उसके नमस्ते का जवाब देने के बाद कि भाई साहब आपको क्या परेशानी है, आप यहाँ क्यों आए हो, आपको फिर चुप हो जाना है। केस टेकिंग के दौरान ज्यादा से ज्यादा पेशेंट को बात करना चाहिए और डॉक्टर को कम से कम। याद आ रहा है कुछ डूज एंड डोंट पढ़े थे ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के अंदर, और केस टेकिंग जब पढ़ा था उसके अंदर मटेरिया मेडिका में, कि डूज एंड डोंट, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको पेशेंट के मुंह में शब्द नहीं डालने हैं, आपको गूंगा बहरा बन के बैठना है कि मैं तेरी बात को समझ ही नहीं रहा हूं, तेरी बात को तू जितना अच्छे से इलस्ट्रेट कर दे उतना अच्छा है, क्योंकि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको उसकी बात शांत मन से सुननी है, पहली चीज। आपको उसकी बात प्रॉपरली धैर्यपूर्वक तरीके से सुनना है, एक एक चीज, और उसी के अंदर आपको उसकी मेन पीड़ा को समझने की कोशिश करनी है। अरे कॉमन सेंस है भाई, उसको जिस चीज से ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी वो उसको उतनी बार बोलेगा, उतना रो रो के बोलेगा।
उसको जिस चीज से कम प्रॉब्लम होगी वो उसके ऊपर उतना कम एम्फेसिस डालेगा। तो भाई वो एम्फेसाइज किस चीज पे ज्यादा कर रहा है, वही उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है। मेरी बात समझिए, वही उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है। डॉक्टर साहब मेरा सर तो बहुत दुख रहा है, मेरा सर बहुत दुखता है, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरे को हफ्ते में 5 दिन हेडेक रहता है और इस हेडेक के। तो आपको पहले ये समझना चाहिए कि द ऑर्गन विच इज प्राइमरीली इन्वॉल्व इस केस इज द हेड, एंड हेड में हेड मतलब लोकेशन हो गया हेड और सेंसेशन हो गया पेन। याद आ रहा है कुछ? सेंसेशन, लोकेलिटी, मॉड्युलिटी एंड कॉन्कमिटेंट्स, उसी की बात कर रहा हूँ। तो वो घुसेगा तो आप पहले ये देख लें वो कैसा है। आपको उसका क्या कॉन्स्टिट्यूशन किसी मेडिसिन से मिलता जुलता लग रहा है? प्रिजुडाइज नहीं होना है, नेट्रम्यूर दिख गया दुबला पतला मरा सा, तो आप ये नहीं सोच लेना कि भाई ये कुछ भी बोले अब तो नेट्रम्यूर ही दूंगा मैं उसको। नहीं देना है भाई, नेट्रम्यूर क्यों देना है? तुमने बात ही नहीं सुनी उसकी पूरी। साइंस का एक नियम है, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। साइंस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, अगर साइंस के अंदर आपने कोई रूल को वायलेट करा तो फिर साइंस काम नहीं करती। यहाँ पे अपना रूल क्या है? यहाँ पे जो रूल्स हैं होम्योपैथी के, उनको आपको फॉलो करना है। अगर बड़े बुड्ढे बोल के गए हैं कि अनप्रिजुडाइज हो के केस को सुनो, तो उसके पीछे कोई टेक्निकल इशू है, उसके पीछे टेक्निकल इशू है। मेरे पास 1,000 बार माइग्रेन का केस आया होगा आज तक, पर मैं अपने हर केस को ऐसा सुनता हूँ जैसे कि वो नया है मेरे लिए। और जब हम उस मतलब स्टेट ऑफ कॉन्शसनेस में केस को सुनते हैं, तो वाकई में उस केस के अंदर नई बातें पता चलती हैं। एक जमाना था जब शुरू शुरू में आया था, सबको आयरिस बुलर से आयरिस वर्सिकुलर सेंग्विनेरिया दे देते थे। अब वही माइग्रेन के केसेस को हम उसको, क्योंकि हम डीपली सुनने लग गए, हम बिल्कुल अनप्रिजुडाइज होके सुनने लग गए, तो उसी के उस माइग्रेन पे हमको 50 दवाएं और दिखने लग गई, क्योंकि पहले देखने ही नहीं चाहते थे ना। पहले तो अपनी बीन बजाना है। माइग्रेन मतलब से आयरिस सेंग्विनेरिया, कई तो पट्टे भैया मिक्सचर बना के रख लिया, आयरिस वर्सिकुलर 30 और सेंग्विनेरिया कैनेडेंसिस 30 मिला लिया, भाई ये हो गया है, बस ये खत्म, ये अपना बस माइग्रेन, दुनिया जहान के माइग्रेन सही कर देना हमको इससे। ऐसा नहीं होता, उसको केयरफुली सुनिए, वो आपसे क्या कह रहा है आपको वो भी सुनना है जो वो कह रहा है, आपको वो भी सुनना समझना है जो वो कहना चाह रहा है पर वो कह नहीं पा रहा है। उसको आपको बीच में इंटरप्ट नहीं करना है, उसको बोलने दीजिए। जब तक वो एंड में फुल स्टॉप लगा के चुप नहीं हो जाता आपके स्टेटमेंट के लिए, तब तक आपको उस बंदे को इंटरप्ट नहीं करना है। क्या कह रहा है, उसने आया, उसने अपनी बात कहां से शुरू करी, उसने क्या करा, उसने हेड को उठाया। मैं एक एग्जांपल के लेके बताता हूँ, उसने अपना हेड मतलब सर को उठाया कि बोले साहब मेरे को तो हेडेक होता है डॉक्टर साहब, और मेरे को किसी ने बताया था कि मुझे माइग्रेन का केस है, तो मुझे भी शायद अब यही लगता है माइग्रेन है ये साहब, मेरे को हफ्ते में जो है वो कम से कम हफ्ते में 2-3 बार हो जाता है और महीने भर मेरे को चलता रहता है। मेरे मैं अभी तक नहीं बोल रहा हूँ इसके अंदर, है ना। आपको तब बोलना है जब आपको नेसेसिटी लगे, जब या तो आप कंफ्यूज हो जाओ या फिर आपको डाटा सामने से आता हुआ इनसफिशियंट लगे, तब भी आपको उसको इंट्रोगेटिव टेंस में ही बात करनी है, इंट्रोगेटिव परस्पेक्टिव में ही बात करनी है, कि तब भी आप जो बोलेंगे ना उससे वो एक सवाल के रूप में बोलेंगे, कि उसके जवाब में वो आपको लंबा सा जवाब दे लाइनों में। पहले पेशेंट को डिस्कार्ड करिए कि वो कम शब्दों में बात ना करे। अगर वो कुछ बोलता है हेडेक है, तो आपको ये नहीं बोलना है अच्छा ठीक है, नहीं, कैसा हेडेक है भाई, 1,000 प्रकार के हेडेक होते हैं, तेरे को कैसा है? आप सवाल करो उससे, भाई कैसा है, कब से है, कितने दिन में एक बार होता है, और उसका कैरेक्टर क्या है। उसको बात दे करो कि वो लंबे वाक्यों में बात करे इंस्टेड ऑफ शब्दों के। उससे कोई ऐसा सवाल नहीं पूछना है जिसमें वो हाँ या ना में जवाब दे। उसको शब्दों में बात करने के लिए प्रेरित करिए कि वो ज्यादा से ज्यादा शब्दों में अपनी समस्याओं को बता सके, और उसको केयरफुली सुनिए। देखिए सबसे बड़ा इस केस टेकिंग के अंदर में बहुत बड़ी 1,00,000,000 करोड़ रुपए की एक बात बताना चाहता हूं भाई साहब, केस टेकिंग 1 मिनट की हो या 1 घंटे की, दवा उसी के अंदर छुपी है, उसी के अंदर उसका प्राइमरी रूब्रिक छुपा है और दवा भी उसी के अंदर छुपी है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि केस टेकिंग का करने का सबसे ज्यादा मजा तब आएगा जब आपका नॉलेज ऑफ मटेरिया मेडिका बड़ा साउंड होगा, क्योंकि मटेरिया मेडिका के अंदर, मेडिसिन के अंदर, अगर आपने मेडिसिन के अंदर आपका हाथ भारी है,
आप बहुत ज्यादा मतलब प्रकांड पंडित है मटेरिया मेडिका के, तो मेरा ये मानना है कि आपको रिपर्टराइजेशन तक जाने की जरूरत बहुत रेयरली पड़ने वाली है। छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, एक साहब आए मेरे पास, वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत बड़ी पोस्ट में कोई एक सरकारी जॉब में वो काम करते हैं। वो मेरे पास आए और आते से ही बैठे, उनने मेरे से जो कंप्लेंट कही वो सुनिएगा कि भाई मेरे को 2 रात पहले प्यास लगी, रात में मेरी पानी की बोतल ख़त्म हो गई थी, मेरा बेडरूम ऊपर है, मैं नीचे ड्यूप्लेक्स में रहता हूँ, मेरा जो किचन और रेफ्रिजरेटर नीचे है, मैं वहाँ पे से पानी लेने गया, मैं पानी लेके बस लौट ही रहा था कि मैं पलटा हूँ और मैंने डाइनिंग टेबल पे एक चाकू पड़ा देख लिया। वो बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, मैं बता दूं कि उनकी सैलरी 2 से 3 लाख रुपए महीने होगी आज की तारीख में, इतने बड़े पोस्ट पे है। वो कोई इलिटरेट आदमी नहीं है कि वो भूत का सीरियल देख के सोया हो या क्राइम पेट्रोल देख के सोया हो और उसको रात में ऐसा ख्याल आया हो चाकू देख के, नहीं, वो ही इज अ क्वाइट लिटरेट एंड इंटेलिजेंट पर्सन। उन्होंने वो चाकू देखा और वो उसके बाद जो स्टेटमेंट दिया मुझे कि साहब उसके बाद से मेरे को सुसाइडल थॉट आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चाकू मेरे दिमाग में जाके अटक गया है। वो चाकू मेरे दिमाग में 2 दिन पहले तक था, अब मेरे दिमाग में पंखा है, मैं पंखे को देखता हूं तो मुझे फिर लटकने के ख्याल आने लग गए। ये क्या है? अब अगर मान लीजिए हमने मतलब मटेरिया मेडिका ढंग से ना पढ़ी होती ना, तो ये बड़ा कठिन था केस। ये वैसे मिल जाता, रूब्रिक ढूंढते तो मिल जाता कि सुसाइडल इंक्लिनेशन बाय सीइंग द नाइफ, मिल जाता कहीं ना कहीं माइंड रूब्रिक में मिल जाता। पर अब क्योंकि हमने एल्यूमिना को बहुत डीप में पढ़ा था अपने ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के बाद प्रैक्टिस के दौरान, हमें 2 मिनट भी नहीं लगा इस केस में। काहे की केस टेकिंग भाई साहब? किस बात की केस टेकिंग? कुछ पूछना नहीं है इससे, इससे कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेडिसिन जब खुद पॉपअप होके सामने आ जाए तो नेवर एवर ट्राई टू क्रॉस वेरीफाई इट। अगर आपने क्रॉस वेरिफिकेशन करने की कोशिश करी तो आपका जो दिमाग है ना, वो आपके साथ खेल करके आपको किसी गलत कंक्लूजन पे पहुंचा देगा। हमेशा याद रखना, बहुत सारे थॉट जो अपने को पहले पहल आते हैं ना, वो सारे के सारे थॉट सही होते हैं। ये आम जिंदगी में भी ये बात है। और फिर हम उसको ना मान के किसी गलत थॉट को हम पकड़ लेते हैं, उसकी हम बात मानते हैं, और जब गलत साबित होते हैं तो बाद में बैठ के बोलते हैं क्या, अरे यार मेरे को तो पहले ही दिमाग में आ गया था यार, पता नहीं क्यों मैंने ये नहीं किया। केस टेकिंग शुड बी लाइक दैट। उसको आने दीजिए, आपके सामने वो बैठेगा, अपनी पूरी नरेशन को बताएगा, और जब वो खत्म होगा, चाहे उसका स्टेटमेंट 5 मिनट का हो, चाहे 1 मिनट का कि 30 सेकंड का, गौर से ये सुनिए। इसको आप बिल्कुल सेमी कॉलन के अंदर इस स्टेटमेंट को समझ लीजिए कि पेशेंट के कंप्लेंट के अंदर ही सारे रूब्रिक छुपे हैं, उसी रूब्रिक के अंदर उसकी प्राइमरी मेडिसिन छुपी है। अगर आपके अंदर जरा सा भी आईक्यू होगा तो आपको टाइम नहीं लगेगा उस चीज को निकालने में। अब मैं आपको माइग्रेन का एग्जांपल दे रहा था ना, ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, उसी माइग्रेन के एग्जांपल को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। अब वो अंकल है, उन्होंने बोला साहब मेरे को हेडेक हो रहा है, मेरे को हेडेक होता है सेमी लेटरल, मतलब एक साइड किसी एक तरफ होता है और एक तरफ होता है, और मेरे को जो रहता है उस थ्रॉबिंग टाइप ऑफ हेडेक होता है, मतलब जैसे पल्सेशन चलते हैं, वाइल हेडेक जब होता है ना तो उनको पल्सेशन फील होते हैं। एक ये रूब्रिक बना पल्सेशन, सेमी लेटरल हेडेक, मतलब वन साइडेड हेडेक का एक रूब्रिक बन रहा है यहाँ पे। उसके बाद अंकल और क्या होता है? और कुछ नहीं, उसके बाद तो बड़ी हालत खराब हो जाती है। आप क्या करना पसंद करते हैं उस हेडेक के दौरान? मेरा क्वेश्चन ये होता है, आपको क्या करने की इच्छा होती है उसके दौरान? क्योंकि जनरली ये कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है कि बीमारी में कुछ करने की इच्छा नहीं होती, पर फिर भी हमको एक बार पूछ लेना चाहिए कि भाई क्या करते हो, क्या करने की इच्छा होती है। अरे कुछ नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो जो है ना, मैं पंखा वंखा चला के बढ़िया एक कमरे में और मैं अंधेरा करके लेट जाता हूँ। अच्छा, किसी की बात करने की इच्छा होती है उस वक्त? अरे नहीं, बहुत चिढ़ आती है बात करने में। तो यहाँ पे वो कौन सी मेडिसिन बता रहा है? अच्छा, आप क्या करते हो, आपको क्या करते हो, आप काम कर पाते हो? नहीं नहीं काम नहीं कर पाते, हमको तो आराम करना पड़ता है। कहाँ आराम करते हो? कमरे में आराम करते हैं, पंखा चला लेते हैं, लाइट वाइट बंद कर लेते हैं। लाइट क्यों बंद कर लेते हैं? नहीं, वो अच्छा लगता है लाइट बंद कर लेने से, ठीक है। अच्छा, और क्या करने की इच्छा नहीं होती है? काम करने की इच्छा नहीं होती है, ठीक है। और क्या करने की इच्छा नहीं होती है? बात करने की इच्छा नहीं होती। बात क्यों करने की इच्छा नहीं होती? बोले सब चिड़ आती कोई बात करता है। क्या बता रहा है यहाँ पे भाई? यहाँ पे साफ बता रहा है ये पेशेंट कि इसको मोशन से एग्रेवेशन हो रहा है, मतलब इसको जो मूवमेंट से एग्रेवेशन हो रहा है, इसको पल्सेटिंग हेडेक हो रहा है। ये कौन सी 2 दवाओं के पक्ष में जा रहा है? मैं आपने पहले ब्लॉग में, इंट्रोडक्टरी ब्लॉग में बता चुका हूँ कि मैं मल्टी मेडिसिन पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ,
क्योंकि मेरा मानना है कि मानव शरीर इतना ज्यादा जटिल हो चुका है कि एक या दो मेडिसिन से इसको कवर नहीं किया जा सकता। आप एक बुक, अगर कोई आज बोल रहा है कि मैं एक पेशेंट के सारे लक्षणों को एक मेडिसिन से कवर कर लूंगा, तो मुझे संदेह है उस बात पे। मैं फिर भी उंगली नहीं उठाऊंगा किसी पे, पर मुझे डाउट है कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो स्किप कर जाएगा और आपको उसको कवर करने को एक मेडिसिन और डिप्लॉय करनी पड़ेगी। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ मल्टी मेडिसिन, कि मल्टी मेडिसिन से मैं, जैसे ये शतरंज होता है ना, इट इज जस्ट लाइक दैट। शतरंज खेलते हैं ना अपन, ये बिल्कुल वैसा है। शतरंज में हम क्या करते हैं कि अगर उनका राजा भाग रहा है तो हम एक जगह उसको ब्लॉक करते हैं घोड़े से, दूसरी जगह ऊंट से, तीसरी जगह वजीर से, वो कहीं नहीं जा सकता उसके पास। एग्जैक्टली मेरे को यही सेम चीज यहाँ पे करनी है, क्योंकि ना हमारा इतना एक्सपीरियंस है और ना हमारा इतना नॉलेज है कि हम इतने कॉम्प्लिकेटेड ह्यूमन बॉडी का हम उसको एक मेडिसिन से कैसे कवर कर सकता है। और मैं बिल्कुल चाहूंगा कि अगर ऐसा कोई हो तो मुझे, मतलब अगर कोई साक्ष आपके पास हो, आप में से किसी भी सब्सक्राइबर के पास कोई ऐसा सबूत हो कि यार ऐसा कुछ हुआ है, कोई लाइव केस का एग्जाम्पल, तो आप बिल्कुल मुझसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। पर मैं अभी तक उतना अनुभवी नहीं हुआ हूं कि मैं उसको पूरी के पूरा केस को मैं जो है एक मेडिसिन से कवर करूं। तो यहाँ पे मोशन से एग्रेवेशन दिख रहा है। मोशन मतलब उसको चलने फिरने में तकलीफ है, इसलिए वो आज अपने काम पे नहीं गया। वो जब चलता है उसका हेडेक बढ़ता है, उसका हेडेक को मोशन से इतनी ज्यादा तकलीफ है कि जब उसकी प्यूपिल डायलेट होती है लाइट जलने पर, तब भी उसको तकलीफ हो रही है। जो एक नेसेसरी मोशन है उसको बात करने में जो आदमी को करना पड़ता है, वो उसको उससे भी तकलीफ हो रही है, इसलिए वो इरिटेट हो रहा है, अपनी बीवी का सवाल पूछने पे चिढ़ रहा है। अरे यार मेरे से बात मत करो यार, तुम, मेरा हेडेक हो रहा है, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, मेरे को अकेला छोड़ दो। क्यों? क्योंकि उसको किसी भी तरह के मोशन से एग्रेवेशन है। क्या मेडिसिन आ रही है यहाँ पे भाई? बेलाडोना और ब्राइनिया। फिर अपन इससे केस टेकिंग में और डिटेल में जाएंगे तो हो सकता है इसकी जो थ्रस्ट है वो ब्राइनिया के सपोर्ट में जाए। एंड वी ऑल नो फ्रॉम अवर क्लिनिकल एक्सपीरियंस कि ब्राइनिया इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली इंडिकेटेड इन एनी टाइप ऑफ हेडेक। कोई भी हेडेक है मतलब वो ब्राइनिया, कहीं ना कहीं उसके अंदर आपको ब्राइनिया का स्पीयर ढूंढना पड़ेगा। पर यहां पे भी मैं प्रिजुडिज्म की बात नहीं कर रहा हूं। अगर यही पेशेंट बोल देता मुझे कि मुझे यार एंड में वोमिटिंग्स होती हैं, या फिर ये पूरा का पूरा सिनेरियो वोमिटिंग तक चला जाता है, तो मैं आयरिस वर्सिकुलर समझता। मेरे को हेडेक जो है दैट इज एसोसिएटेड विद द ब्लडनेस ऑफ विजन, की जब मेरे को हेडेक शुरू होता है मेरा विजन ब्लड हो जाता है, तो उस केस में मैं ये समझता कि यार हाँ ये भाई उससे संबंधित है, ये कि उसको मतलब कहीं ना कहीं ये ब्लड विजन आ रहा है, मतलब उसको आयरिस वर्सिकुलर का पिक्चर बन रहा है। तो आप समझे मेरी बात को, कि आपको केस टेकिंग को एकदम शॉर्ट एंड स्वीट रखना है। जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा स्टेटमेंट पेशेंट दे। पेशेंट जितने स्टेटमेंट देगा, पहली चीज आपको ये समझना चाहिए कि वो उसकी मेन जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है, वो कंप्लेंट जिसके कारण उसने आपके क्लिनिक तक आने की जहमत उठाई है, वो सिर्फ वही बताएगा आपको। और आपके अंदर, उसी के अंदर आपको चार चीजें मिल जाएंगी। सेंसेशन, क्या हो रहा है, लोकेशन, कहाँ हो रहा है, मॉडलिटी, मॉडलिटी मतलब वो चीज क्या करने से बढ़ रही है, क्या घटने से हो रही, और कॉन्कोमिटेंट मतलब इररिलीवेंटली एसोसिएटेड सिम्टम। ये चारों चीजें आपको वहीं पे मिल जाने हैं, और ये आपको चारों चीजें वहीं मिल जाएंगी, तो कायदे से उसका एक स्टेटमेंट में ही वो खुद अपना केस शट करके जाता है। पर आप लोग शट डाउन करने को तैयार नहीं रहते, आप लोग पड़ जाते हो एनालिसिस पैरालिसिस के अंदर। हाँ उससे पूछना है, कई चीजें पूछना है, बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। देखिए और सवाल क्या हो सकते हैं, यहाँ पे एक एक सवाल नहीं गिनाया जा सकता, क्योंकि सवाल डिपेंड करते हैं कि केस किस तरह का है और कब से हो रहा है। सवाल बहुत से हो सकते हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, आपकी पास्ट हिस्ट्री क्या है, आपके माता पिता साइड कौन सी बीमारी थी, आपको बचपन में कौन सी बीमारी हुई थी। ये सारी चीजों का रिलीवेंस तब आता है कि वेदर द कंप्लेंट इज एक्यूट वन और क्रॉनिक। अगर वो एक्यूट कंप्लेंट है तो आपको उतना केस टेकिंग में टाइम नहीं लगना चाहिए। हाँ अगर क्रॉनिक कंप्लेंट आ रही है तब भी आप एक चीज समझ लीजिए कि जो मैंने सेमी कॉलन वाली बात की, कि वो जो स्टेटमेंट देगा उसके अंदर उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट को ढूंढिए, मतलब वो कंप्लेंट, वो शिकायत जो उसको सबसे ज्यादा परेशान कर रही है उसको ढूंढने की कोशिश कीजिए। उसी के अंदर उसका सेंसेशन, लोकेशन, कॉन्कोमिटी मॉडल और कॉन्कोमिटेंट, आपको मॉडलिटी कॉन्कोमिटेंट मिल जाएगा, और वहीं पे ही केस शुरू होके खत्म हो जाता है।
अगर मुझे ऐसा लगता है कि इसका दूसरा कोई पार्ट बनना चाहिए, वैसे मेरी तरफ से मैंने अभी यहाँ पे बात खत्म कर दी है, पर अगर मुझे ऐसा लगता है तो मैं थंबनेल में डाल के इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी आपको लोगों के सामने लेकर आऊंगा। तो इसी के साथ व्यूअर्स, इजाजत दीजिएगा, नमस्कार।